नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेयर लॉस की, बालों के गिरने की, झड़ने की और ऐसे समय ही सफ़ेद होने की। दोस्तों, यह समस्या महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है। पर्टिकुलर कारण इसके कुछ भी नहीं है, कुछ मेन जो कारण है आज हम इस वीडियो में बताएंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे लेने से आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी जानकार को हेयर लॉस, बाल गिरने से संबंधित दिक्कतें हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल का बटन दबा दें। दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या आज के समय में काफ़ी बढ़ने लग गई है, क्योंकि आजकल के जो हमारा खान पान है वो काफ़ी गलत हो चुका है, जिसके कारण हमें मिनरल्स और विटामिन्स खाने में नहीं मिल रहे, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती, जिसके कारण हमारे बाल गिरने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस समस्या से बचना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इसके कारणों की। दोस्तों, ये महिलाओं में जो समस्या होती है वो प्रेगनेंसी के बाद भी बाल झड़ने लगते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में बाल झड़ने लगते हैं, थायराइड की यदि समस्या हो तो महिलाओं में बाल झड़ने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल यदि अप हो जाए या डाउन हो जाए जब भी बाल झड़ने लगते हैं महिलाओं के, किसी भी शैम्पू के कारण बाल झड़ने लगते हैं या फिर हेयर कलर यूज़ करते हैं उनके कारण भी महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं, यदि लंबी बीमारी के बाद या लंबी बीमारी में कोई भी हैवी एंटीबायोटिक चली हो उनके कारण भी महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, यही समस्या पुरुषों में भी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा या कम होना, लंबी बीमारी के बाद एंटीबायोटिक खाने के बाद बालों का झड़ना, कोई भी गलत शैम्पू जिसके कारण आपके बाल झड़ने लगे हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑयल जिसको आप मसाज के सर में यूज कर रहे हैं उसके कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपका वेट ज़्यादा गेन हो रहा हो या फिर वेट आपने काफ़ी लूज करा हो उसके कारण भी आपका जो बालों का झड़ना है वो लगातार बना रहता है। यदि आप हेयर कलर यूज करते हैं उसके कारण भी आपके भी बाल गिरने लगते हैं, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है महिला में भी और पुरुष में भी। यदि उनके माता की तरफ से या पिता की तरफ से कोई भी रिलेटिव हो, चाहे मामा, नाना या फिर मौसी, ये बच्चों में आ सकते हैं, या पिता की तरफ से चाचा, ताऊ, कोई भी, वे बच्चों में गुण आ सकते हैं, वे महिलाओं में भी आ सकते हैं, वे पुरुषों में भी आ सकते हैं। यदि कोई भी जेनेटिक कारण हो, उनके रिश्तेदारों के बाल पहले से ही गिरते हों तो ये समस्या उनको आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम के तौर पर भी कार्य करती है। या फिर आपके सर में रूसी ज़्यादा हो, फ्यास ज़्यादा हो, डेंड्रफ ज़्यादा हो तो उसके कारण भी बाल गिरने लगते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो उसके कारण भी आपके बाल गिरने लगते हैं। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण बाल गिरने की समस्या आज के समय में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इनका बचाव आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनका बचाव करना है तो सबसे पहले आप अपने शैम्पू का जो चुनाव है वो सही से करें, उसके लिए आप होम्योपैथिक शैम्पू भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए।
इसके बाद यदि आप हफ्ते में एक बार, 1 वीक में एक बार, या तो दही या अंडा, आप कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में नींबू मिलाना है और अंडे में भी नींबू मिलाना है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यदि कोई अंडे का प्रयोग करना चाहे तो अंडे का कर सकता है, और दही नींबू का करना चाहे तो दही नींबू का कर सकता है। दोस्तों हफ्ते में एक बार इससे आपको सिर को इससे वॉश करना होगा, धोना होगा। इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो करना है। अब बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों आपको होम्योपैथिक स्टोर से जाकर होम्योपैथिक मेडिसिन लानी होगी। जो इसमें मेडिसिन होगी वो होगी वाइसबैडन का मदर टिंचर। दोस्तों वाइसबैडन का मदर टिंचर आपको 30 ml की बोतल में लाना होगा, या डॉक्टर रैकवैक की 22 ml की बोतल में लाना होगा। इसके बाद आपको जो मदर टिंचर लाना होगा वो होगा जेबरेंडी मदर टिंचर। दोस्तों आपको जेबरेंडी मदर टिंचर लाना होगा। ये दो मदर टिंचर आपके लिए सबसे बेहतर मदर टिंचर के रूप में कार्य करेंगे। अब इनका आपको करना क्या, आपको इनको लेकर आना है और इसी के बराबर में आपको लेकर आना है 50 ml। या तो आप बादाम ऑयल ले सकते हैं या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में से एक कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको इन मदर टिंचर की मात्रा मिला देनी है, टोटल बोतल वो आपको कर लेनी है। यदि आपकी 30-30 ml की होगी तो 60 ml हो जाएगा, यदि 22-22 ml की होगी तो 44 ml हो जाएगा। इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दोस्तों इसके बाद आपको 50 ml ऑयल में इनको मिलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आपको हफ्ते में एक बार, यदि पुरुष हैं तो आप डेली कर सकते हैं, अपने टॉप पर इन इस ऑयल को यूज कीजिए, और इसको आप अच्छे से अपने सिर में 1-2 मिनट हल्के हाथ से इसकी आप मालिश कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप सर में इसकी मालिश करते हैं अच्छे तरीके से, आपकी हेयर की कोई भी प्रॉब्लम, यदि आपके बाल झड़ते हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, रूसी है, डैंड्रफ है, या फंगल इन्फेक्शन है, चाहे कुछ भी समस्या हो, यदि आपके किसी भी कारण से या हार्मोनल हो, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये आपको तुरंत ही राहत देंगे। एक ही हफ्ते में आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।